चेतावनी। कुआं ठंडा जल पीने के लिए बनाए जाते हैं। यदि कोई मंदमति कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ले तो इसमें कुआं बनाने वाले का क्या दोष? हमारे द्वारा दिखाए जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए हैं। यदि कोई दुष्ट बुद्धि हमारे द्वारा बताए गए उपयोगों का प्रयोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सावधान, यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए प्रयोग करने से पहले किसी ज्ञानी, महात्मा या किसी जानकार से सलाह जरूर लें। सभी साधक और साध्वियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो वीडियो है ये वशीकरण के ऊपर नहीं है, ये वीडियो एक पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर है, सकारात्मक ऊर्जा जिसे हिंदी में कहा जाता है। बहुत से मुझे कमेंट्स में कहा था, व्हाट्सएप पर भी कहा, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि कुछ ऐसा बनाइए जो सकारात्मक ऊर्जा पे हो, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। आजकल घरों में सकारात्मक ऊर्जा बहुत कम मिलती है क्योंकि हर प्रकार के जो बाहरी तनाव हैं या जो बाहर के टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हम ऐसी जीवन शैली में रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते और ना ही हम मेडिटेशन करते हैं, तो इस वजह से हमें बीमारियां लग जाती हैं और तरह तरह के नाना प्रकार के रोग हमें घेर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये है सॉल्ट लैम्प। ये जो लैम्प है ये पत्थर नहीं है, ये नमक है जिसे हिंदी में काला नमक कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो इसको अभिमंत्रित करना पड़ता है ना इसमें कुछ करना पड़ता है, सिर्फ इसको लाओ और इसको प्लग इन कर दो, इसके अंदर बल्ब होता है, और जैसे ही ये जलता है तो जैसे ये गर्म होता जाएगा, इसके अंदर से जब गर्मी निकलती है बाहर तो इसमें एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से नेगेटिव आयंस जो है वो बाहर निकलते हैं। वो हमें दिखते तो नहीं है नेगेटिव आयंस, लेकिन अगर आप एक मीटर होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं नेगेटिव आयन टेस्टर नाम से, तो आप उसमें देख सकते हैं, और जितने ज़्यादा नेगेटिव आयंस होंगे उतने ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। जब भी हम कभी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स, आईपैड, आईफोन इत्यादि यूज़ करते हैं तब हमारे शरीर में पॉजिटिव आयन चले जाते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पॉजिटिव आयन हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, वो हमारे शरीर में बहुत नाना प्रकार के रोग लगा देते हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी और अजीबोगरीब हर तरह के जो रोग हैं, आप यूँ कहिए 95% रोग जो हैं वो टेंशन से ही होते हैं। और अगर किसी को माइग्रेन है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक सॉल्ट लैम्प अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये ना केवल आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है बल्कि ये हर प्रकार के रोगों से भी आपको बचाता है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसको सिर्फ आपको घर में प्लग इन करके रख देना कहीं पे, और ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि ये हमेशा ऑन रहे, इसको स्विच ऑफ ना करें। अगर ये ऑन रहेगा तो ही इसका काम होगा, मतलब इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपने इसको स्विच ऑफ कर दिया कि रात को ऑफ़ कर दे दिन में ऑन करें, तो ये फिर पिघलने लगेगा, गर्मियों में ये पिघल जाएगा, इसलिए इसको स्विच ऑन करके ही रखना है। और ये आजकल के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको आप यूज़ करके देखिए, आपको फ़र्क खुद ब खुद लगेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर इसके और भी अधिक फ़ायदे जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेनिफिट ऑफ सॉल्ट लैम्प, और आपको लिस्ट ऑफ सॉल्ट लैम्प्स के बेनिफिट्स मिलेंगे जिसमें आप इसके बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ जो कि ज़रूरी बातें हैं, कि ये आप ज़रूर रखिए। आजकल की जीवन शैली में सॉल्ट लैम्प होना घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें तनाव से और डिप्रेशन से, ऐसे न जाने कितनी बीमारियों से हमें बचाता है। आप ये सॉल्ट लैम्प रखेंगे आपको 2-3 महीने के अंदर ही रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको कोई सवाल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय।